सामने वाले का जो भी वार है अटैक है उसको इस लेफ्ट से ब्लॉक कर, तो दोबारा उठ के बाद तो ये ब्लॉक और ये साथ में जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? यू नॉट कैरिंग एनी स्वॉर्ड विद अस, मेट्रो में आप लोग स्वॉर्ड लेके जाते हैं? नहीं जाते ना, तो भाई स्वॉर्ड का काम क्या है? कोई काम ही नहीं है, राइट? एंड दी ब्लॉक, वी ब्लॉक विद आवर शील्ड, वी ब्लॉक विद आवर शील्ड। जैसे ही आपको लगा कि ये टाइम मिल गया तो ये, तो जब आपके पास स्वॉर्ड और शील्ड नहीं है तो व्हाट इज योर शील्ड हियर नाउ? हिज हैंड्स। और स्वॉर्ड क्या बन गया आपके? हाथ को वेपन चाहिए। Without weapon also you can tackle with your hand. That's the beauty of Kalari Fight. हाथ में जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कलरी में यूजुअली इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो क्या होता है कि जब भी हम लोग आगे बढ़ के मारते हैं, राइट, तो एक कदम पीछे लेना चाहिए, एक कदम पीछे लेते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड है इस तरीके से रहेगा और लेफ्ट इस तरीके से रहेगा। रखिए सब अपने राइट हैंड को, राइट लेग को पीछे और राइट हैंड को इधर नीचे की तरफ रखिए, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और लेफ्ट ऐसे रहेगा, ठीक है? और जब भी हम कभी भी जब हम आगे बढ़ के मारते हैं तो वी नेवर गो विथ आर बॉडी, ऐसे सलमान खान की तरह नहीं जाएंगे हम मारने के, राइट? व्हाट वी डू, वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट? तो प्रोटेक्शन मूवमेंट क्या है? ये You got this? तो ये एक प्रोटेक्शन के साथ ही हम लोग जब भी है आगे बढ़ेंगे, सामने वाले का जो भी वार है अटैक है उसको इस लेफ्ट से ब्लॉक करते हुए राइट पैर को आगे बढ़ा के मारेंगे। लेकिन ये हाथ पूरा खोल के मारना है आपको, समझ गए? Once again, look at me this. अब ये look at me this, लेफ्ट को उठा के खींच के मारना है। तो आप जब मारेंगे ना तो आपको ये जो प्रेशर आपको हाथ के हथेले में फील होगा, जोर से मार रहा है आपको। आगे मारिए, जोर से मारिए। ये मारना नहीं हुआ, इससे मच्छर भी नहीं मरेगा, ध्यान से देखिए चीज को। ये रखा हुआ है, यहां से घुमा के मारिए पूरी जी। तो राइट पैर आप जो रखोगे ये प्रॉपर रखना है, ग्रिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। दोबारा रखिए इसको, यहां पे नीचे रखिए हाथ को और इस हाथ को पूरा घुमा के लेके मारिए, मारिए, ठीक है? आ रहा जान, आ रहा जान, ठीक है? लेफ्ट से ब्लॉक करिए और मारिए, दोबारा राइट पैर पीछे, गो। सिस्टमेटिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जो हमारा ब्लॉक होता है जो लेफ्ट वाला जो आगे हम रखते हैं, ये हमेशा हम लोग ये प्रोटेक्शन में रखना है, हम सीधे नहीं जाना, कभी भी अपने बॉडी लेके नहीं जाना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट से एक ब्लॉक देंगे। अब सपोज अक्षय मेरी तरफ बढ़ के मारो, जैसे मारना है मारो ये, तो दोबारा बढ़ के मारो, तो ये ब्लॉक और ये साथ में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? दोबारा बार जोर से खींच के बार, ये समझ में आ रहा है? तो ये कहीं से भी अगर ये ब्लॉक आ रहा है और हिट आ रहा है तो ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर तरीके से हम लोग रखते हैं तो इसी से उसको पता चल जाता है कि मामला खराब है, मार। अब ये मारो, ये ब्लॉक करते ही हमारा अटैक चला जाएगा। तो आपको समझ में आया, ये ब्लॉक और अटैक के बीच में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देना है। ये हाथ यहाँ पे है, लेफ्ट को आपने हटाया, राइट से मारा, उसके बाद ये राइट हैंड को सीधा ब्लॉक में ले जाना, सीधा इट विल टर्न टू ब्लॉक एंड देन लेफ्ट से मारेंगे, दोनों हाथ से मार के प्रैक्टिस है, समझ में आया? तो बिल्कुल लुक एट मी हाउ इट इज गोइंग, पहले हमने लेफ्ट को ब्लॉक किया, राइट मार, राइट को ब्लॉक किया, लेफ्ट मार। तो हर बार जब हम मार रहे हैं तो वी आर टेकिंग आवर स्टेप अहेड, वेरी गुड। मार के कूदी कर रहे हो तुम लोग, वंस अगेन ताकत लगाओ, बैलेंस, ग्रिप, गो हिट, गो हिट, लेफ्ट ब्लॉक नहीं आया दीपेश, लेफ्ट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेफ्ट ब्लॉक आना ही आना है, लेफ्ट जो है ये ब्लॉक आना ही आना है, yes. अब जोर से मार के दिखा मेरे हाथ में, गो, और जोर से ताकत लगा के मार, तरीके से, और जोर से मार, जोर से, जोर से। तो ये ताकत यूज करना है आपको, ऑब्जेक्ट पे आना है। देयर इज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि दिस जनरेशन इज नॉट वेपन जनरेशन, वी नॉट कैरिंग द स्वॉर्ड और स्पीयर और नाइफ विद अस, सो व्हाट इज द यूज ऑफ वेपन ट्रेनिंग दिस जनरेशन? वैलिड क्वेश्चन इज दैट वी आर नॉट कैरिंग एनी स्वॉर्ड विद अस,
मेट्रो में आप लोग स्वॉर्ड लेके जाते हैं? नहीं जाते ना। तो भाई स्वॉर्ड का काम क्या है? कोई काम ही नहीं है। अब जैसे ये है, आप लोग ने स्वॉर्ड एंड शील्ड फाइट देखा होगा कलरी पाइंट में, है ना? तो लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा अपने लेफ्ट से इसको ब्लॉक करते हैं, लेफ्ट वाला हमेशा आगे रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा कि एक अच्छा फाइटर जो स्वॉर्ड फाइटर होता है वो कभी भी ये जो उसके जो सामने का जो प्रोटेक्शन है ना उसको कभी भी ऐसे फ्री नहीं छोड़ेगा। सामने का जो प्रोटेक्शन है उसको कभी भी फ्री नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा इसको आगे रखेगा। बात भी करेगा तो ऐसे ही, क्योंकि सामने वाले के पास क्या है, उसके पास भी औजार है। तो आप थोड़ी ना ऐसे बात करोगे उससे, आप हमेशा इसको एक प्रोटेक्शन में रखो। तो अगर सामने से अटैक अगर आता है तो क्या होता, तो ये ब्लॉक पहले जाए, समझ में आया? तो उसके अटैक को ब्लॉक करते ये वाला, इसके बाद ही ये निकलता है यहां से। ये पहले से नहीं निकल के खड़ा होता, ऐसे ऐसे नहीं करते हम लोग, राइट? तो क्या होता है, ये एक हाइडन, ये जो असली औजार है वो हमेशा पीछे ही रहता है और हमें सामने एनालाइज करना है कि क्या हो रहा है करके। गेटिंग इट? सो वी सर्च द रूम टिल देन वी ब्लॉक, टिल देन वी ब्लॉक, वी ब्लॉक विद आवर शील्ड, वी ब्लॉक विद आवर शील्ड। जैसे ही आपको लगा कि ये टाइम मिल गया तो ये आगे बढ़ के आपने मार। जब आपके पास स्वॉर्ड और शील्ड नहीं है तो व्हाट इज योर शील्ड हियर नाउ? दिस हैंड्स। और स्वॉर्ड क्या बन गए आपके? हाथ। आज उधर इधर। तो जब आपका हाथ चलेगा ना स्वॉर्ड की तरह चल रहा है, इमेजिनरी क्या चल रहा है? स्वॉर्ड की तरह। तो ये अटैक जो आता है, ये ब्लॉक देख रहे हो आप, इस ब्लॉक दबा के रखो, ये इसको हटा के ये आना चाहिए, ये कट आना चाहिए यहाँ पे। सो व्हाट इट गोज, ये मारते ही इट गोज द अटैक ओवर हियर। ये क्या चीज है? सो ये ब्लॉक एंड तरीके से ये मार रहा है। तो ये आप अगर आप मारते वक्त अगर ऐसे करेंगे जैसे नॉर्मल लोग स्ट्रीट में फाइट करते हैं, ऐसे मारा ये मारा, तो इन सब में ना वो बात नहीं आती। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मार्शल आर्टिस्ट एंड अ स्ट्रीट फाइटर और नॉर्मल फाइटर, या जिसने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं की वो किसी भी तरीके से मार सकता है। बट मार्शल आर्टिस्ट क्या करेगा, एक रूम सर्च करेगा और एक ही चीज मारेगा या एक ही बार अप्लाई करेगा, वो मामला उधर ही खत्म हो जाता है। तो सर्चिंग द रूम एंड राइट घुमा के खींच के मारना, तो इमेजिनरी योर हैंड शुड बी अ स्वॉर्ड। हैव यू गॉट दैट? ये कैसे स्वॉर्ड बनेगा आपका हाथ व्हेन यू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन, समझ में आ रहा है? वरना अगर आप सोच रहे हो कल की मदर डेयरी में जाते वक्त एक बार आजमा के देख लेता हूँ, किसी का दूध गिरा के देख लेता हूँ, आप मारेगा तो मैं अपना एक बार हाथ चला के देखता हूँ, ये नहीं करना। अपने आप से प्रैक्टिस करो, सेल्फ इमेजिनरी फाइट करो व्हेन यू प्रैक्टिस दिस। क्लियर? ओके।